Hello everyone. In this class, we will discuss about the negative and interrogative sentence. I told already the kind of sentences. Today we will discuss about the negative and interrogative sentence. You know what is the negative sentence? First, I tell you that the negative part of the sentence is a part of a declarative sentence. Okay. In previous class, we have discussed about the kind of sentence, that which one is declarative sentence. Okay. Then negative form is the part of or a kind of declarative sentence. Okay, negative, and this one is simple. Negative or simple, जो सिंपल और निगेटिव हमारे जो काइंड्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस से. एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस. द फंक्शन ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंस टू टेल अस अबाउट एनी फैक्ट. ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इन दिस क्लास अबाउट द निगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. इन फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द निगेटिव सेंटेंस. निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब हम इसको पॉजिटिविटी में नहीं लेते हैं, हमें किसी को इग्नोर करना होता है, नेगलेक्ट करना होता है, ठीक है, या हम इन शॉर्ट वी कैन से दैट यू विल रिफ्यूज टू डू एनीथिंग एनी टाइप, देन यू यूज नॉट वर्ड आर नो वर्ड. दैट शो द निगेटिव फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस. ओके, जब हम कभी नॉट या नो का यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो वो निगेटिव फॉर्म बन जाता है. ठीक है, अब हमें नॉट का यूज़ कहाँ करना होता है, सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे. हरी इज अ गुड बॉय. ओके, हरी इज ए गुड बॉय, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. हरी इज ए गुड बॉय. नाउ इन निगेटिव फॉर्म दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल. नाउ निगेटिव फॉर्म में हम इसको देखते हैं, हरी इज नॉट ए गुड बॉय. दिस इज द निगेटिव बिकॉज वी मेंशन हियर नॉट. ओके, हरी इज नॉट अ गुड बॉय. नाउ इन अनदर एग्जाम्पल, सुहाना is singing a sweet song. This is the simple. Suhana is singing a sweet song. Now transfer this sentence into negative form. Suhana is not singing a sweet song. This is the negative. Now in first we have only helping verb. Okay, in first sentence we have only helping verb, not a main verb. इस सेंटेंस में हमारे पास कोई मेन वर्ब नहीं है, इसमें हमारे पास में केवल एडजेक्टिव दिया हुआ है. यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है, ओनली हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने यहाँ पर नॉट शो कर दिया. ठीक है, नाउ इन अनदर सेंटेंस, सुहाना इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग. इन दिस सेंटेंस वी हैव इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग मेन वर्ब. ओके, इन दिस सेंटेंस वी हैव helping verb and main verb both. In this case we will put the not word middle of helping verb and main verb. जिसमें हमारी जिस sentence में हमारी helping verb और main verb दोनों दी हुई है,
उस सेंटेंस को निगेटिव फॉर्म में ट्रांसफर करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिड में नॉट शो करना है ओनली, ठीक है, और हमारा निगेटिव फॉर्म रेडी हो जाएगा. नाउ अंडरस्टूड, इफ एनी सेंटेंस वी नॉट हैव एनी मेन वर्ब यू विल पुट द नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. ओके, इन अनोदर इफ वी हैव हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब बोथ इन अ सेंटेंस देन यू विल पुट निगेटिव फॉर्म बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट. Now in this time we will discuss about the contract form of the verbs. जो verbs की हमारी कुछ contract form होती हैं उनके बारे में हम discuss करेंगे. Okay? Suppose contraction form. कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो उसमें जब हम नॉट लगाते हैं उसको शॉर्ट आउट कर देते हैं. ठीक है, जैसे आपने बोला आर नॉट, ठीक है, आर नॉट, ये हमारा दोनों सेपरेट है अभी. ठीक है, इसको हम इंक्लूड करेंगे आरेंट. ओके, ओ इज साइलेंट इन दिस फीचर, aren't. This is the contraction form of the verb. इसमें हमें not और verb. Negative form जब हम किसी verb का बनाते हैं उसमें हम उसको हम contraction form बोलते हैं. ठीक है, तो आप ले लो do not. ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं don't. Next ले लो आप is not, इसको हम लिखेंगे isn't. Now third ले लो आप has not, तो इसको हम लिखते हैं hasn't. Okay, next ले लो आप were not, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होगा वरंट. ओके, तो इस टाइप से हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं वो इस टाइप से लिखे जाते हैं. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं और शॉर्ट फॉर्म में ही हम इनको बोलने में भी यूज करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. ठीक, सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, इसमें हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस निकालते हैं. डू यू हैव एनी पेन, डू यू हैव एनी पेन, नो आई आई डजंट any. This is the negative form and this is the this is the interrogative form and this is the negative, and here is the use of contraction form. Okay, don't, isn't, hasn't, weren't, couldn't, this type we will use in this form. Now next interrogative. Okay, next one is interrogative and it's two simple interrogative sentence. Interrogative sentence.
I told you that the interrogative also have two types sentence. Okay, interrogative जो हमारे sentence होते हैं वो two types से होते हैं. First is start with WH words and next helping verbs. Start with helping verbs. चलिए now the words that used to ask the question. What is the function of interrogative sentence? The function of interrogative sentence to ask a question. Okay, interrogative sentence का जो function होता है वो only question करने का होता है और वो questions हम two types से करते हैं. First जो आपके WH words होते हैं, suppose जो आपके WH words हैं, what, okay, when, where, which, how many, how much, now whose, whom, okay, these words using to ask the question. Now helping verbs is are, am, was, were, do, has, have, will, okay, और मॉडल भी होते हैं. बेटा यहाँ पर देखिए जो हैव है, हैव और हैज, दीज टू वर्ब्स आर प्लेइंग ए रोल एज अ हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड इन अनोदर टू शो ए पजेशन. ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये पजेशन भी शो करते हैं, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब में भी काम करते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स, द एग्जांपल, आई हैव ए पेन. हैव शो कर रहा है कि मेरे पास कुछ है, तो आई हैव अ पेन यूजिंग अ पजेशन. ओके, नाउ हैव यू ईटन द फूड, देन इट इज प्लेइंग ए रोल लाइक ए हेल्पिंग वर्ब. ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, सपोज दिस इज द इजिएस्ट वर्ड एंड यू आर कंटिन्यूअसली रेगुलरली यूज दिस वर्ड्स. ओके, वॉट, सपोज वेन यू आर गिविंग योर एड्रेस, आस्किंग टू समवंस व्हाट इज, व्हाट हैपेंड. ओके, नाउ व्हाट्स योर नेम. नेक्स्ट वन इज व्हेन, व्हेन डू यू गेट अप. वेयर, वेयर आर यू गोइंग. वेयर इज माय पेन, वेयर इज माय बैग. नाउ व्हिच, व्हिच इज योर फेवरेट फूड. ओके, सो वी प्लेस दिस वर्ड स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. ओके, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं टू पुट ए क्वेश्चन, टू आस्क ए क्वेश्चन. ओके, वी ऑल्सो यूज द हेल्पिंग वर्ब्स टू आस्क द क्वेश्चन. इसका फंक्शन भी क्वेश्चन आस्क करने का ही होता है, बट द मोस्टली आंसर इज गिवन बाई द सब्जेक्ट बाई यस आर नो. जो इसका आंसर होता है मोस्टली वो यस या नो में होता है. जैसे इज दिस योर बुक, इज दिस योर बुक,
then you will say that yes, this is my book. Are you playing? Then you say no. चलिए देख लीजिए, फर्स्ट हमने लिया था इज दिस योर बुक, देन यू विल से यस आर नो. दिस इज नॉट माई बुक, यस दिस इज माई बुक. ओके नेक्स्ट आप ले लो आर यू रीडिंग, then you say in short we can give the answer of the question. Okay, agar hum short mein bhi question ke answer de rahe hain that no problem. Are you reading? Then you say no, yes. Okay, hum short mein bhi answer de sakte hain. Someone asks to you are you reading now, then you say no, yes. And if you want to express all the words, then you can express no, I am not reading, yes I am reading. Okay, so these are the helping verb that used to ask the question, and these are the WH words to asking the question. Students, using these words and these helping verbs, you will make two sentence, or these words, in words ko lekar aapko two sentence create karne. Okay, negative or interrogative, both form. Understood? Thank you everyone.